नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। सरकारी एलर्ट जेबीएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुकेश कुमार आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूँ। ये विषय आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम से रिलेटेड विषय मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग को पता होगा कि जो बिहार पुलिस का जो फॉर्म भराया था उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूँ कि 11/9/2023 से आपका एडमिट कार्ड पोर्टल पर आ गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए एक प्रोसेस है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से, दो तरह से डाउनलोड करने की प्रक्रिया दी गई है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मोबाइल नंबर भी डालते हैं तो डेट ऑफ बर्थ देना होगा। मतलब दोनों ही रीजन में आप लोग को डेट ऑफ बर्थ या फिर मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है, आपको बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट पर जाना है। मैं आपको उस साइट का लिंक इस वीडियो में आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग सीधा वहाँ पर साइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ ज़्यादा आप लोगों को देना नहीं है। और एडमिट कार्ड आप लोगों को सिंपल डाउनलोड, ये तो जानकारी आप लोगों को मिली है एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। और अगर आप लोगों को सेंटर की भी जानकारी लेनी है तो आप लोगों को तो एडमिट कार्ड पर रहेगा ही, लेकिन सेंटर पूरी जानकारी लेनी है तो आप लोग को 12/9/2023 से पोर्टल पर उसका भी लिस्ट दे दिया जाएगा और आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। रही बात कि एग्ज़ाम में क्या क्या ले जाना है और कैस और एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा और मतलब क्या क्या ले जाना पड़ेगा हमें एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो आई है एग्ज़ाम के लिए वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा। तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और आराम से आप लोग परीक्षा दे सकेंगे। तो मैं आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन थोड़ी सी पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं और आगे अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो आप लोगों एग्ज़ाम का डेट किस किस डेट में है मैं वो बता देता हूँ पहले आप लोगों को। पहला एग्ज़ाम जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 1/10/2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, जो पहला एग्ज़ाम है। दूसरा एग्ज़ाम का डेट है 7/10/2023। पहला एग्ज़ाम रविवार के दिन होगा, दूसरा एग्ज़ाम शनिवार के दिन होगा, तीसरा एग्ज़ाम भी रविवार के दिन होगा, ठीक है। मतलब एक एग्ज़ाम जो है आप लोग को शनिवार के दिन रखा गया है। तो आप लोग पहला एग्ज़ाम 1/10/2023 को रखी गई है, दूसरा एग्ज़ाम 7/10/2023 को रखी गई है, और तीसरा एग्ज़ाम 15/10/2023 को रखी गई है, ठीक है। एग्ज़ाम दो पालियों में होगा, एक सुबह का एग्ज़ाम एक तो शाम का डेट में होगा। पहला एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों को रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे रखी गई है, 8 बजे आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। और दूसरी जो सीटिंग है उसका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे रखी गई है। तो आप लोग दूसरी सीटिंग जिनकी एग्ज़ाम है उनको 1 बजे पहुंच जाना है, और जिनका पहला सीटिंग एग्ज़ाम है वो 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाएंगे। उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट पहला सीटिंग वाले का 10 बजे से स्टार्ट होगा, जो 12 बजे तक चलेगा, और दूसरी वाले का है जो 3 बजे से चलेगा और 5 बजे तक चलेगा, 3 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे तक चलेगा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा पसीना आ रहा है, क्योंकि वीडियो बनाना भी आप लोग को ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी देना भी ज़रूरी है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। फ़ैन भी नहीं चला सकता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि फ़ैन से आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, आप लोगों को सुनाई नहीं देगी, परेशानी होगी, इसलिए मैं फ़ैन भी बंद रखा हूँ कि आप लोगों को परेशानी ना हो। मुझे परेशानी हो कोई बात नहीं है, आप लोगों को जानकारी सटीक मिलनी चाहिए। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा गया है कि लिखित परीक्षा है तो उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र परिषद की अपना वेबसाइट इतना पर, मतलब वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 11/9/2023 से उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें डाउनलोड प्रिंट कर लें, ठीक है, इसमें उसको आप लोग उम्मीदवार अपना डाउनलोड प्रिंट कर लें। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, जो भी आप लोग को निकालना है वो ऑनलाइन से ही निकालना है, साइबर कैफे से निकाल लीजिएगा। ये नहीं लिखा गया है कि कलर चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट चाहिए। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो, पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड भी प्रस्तुत कर सकते हैं, करना होगा। यदि प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, जिनका फोटो प्रवेश पत्र में फोटो खराब हो गया है, फोटो खराब आ रहा है, उनको लिए बता दिया गया है कि जिनका स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ अपने आवेदन पत्र के स्वरूप 2 फोटोग्राफ 2 माह के भीतर का खींचा हुआ लाएंगे। और मैं एक बता देता हूँ कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, परेशानी हो रही है, उनके लिए लिखा गया है, बताया गया है
जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट के ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वे दिनांक 26/9/2023 से 27/9/2023 पूर्वाहन तक 10 बजे से संध्या 5 बजे तक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बैंक हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती मतलब जो आप लोग ऑनलाइन किया है उसमें जो आप लोग को रिसीविंग मिली है उसका फोटोकॉपी एवं एक वैध फोटोग्राफ पहचान पत्र केंद्रीय परिषद सिपाही भर्ती के उपयुक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्चे पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप लोग को ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग इसका ऑफिस में जाकर आप लोग एडमिट कार्ड ले सकते हैं अपने खर्चे पर, एक रिसीविंग का फोटोकॉपी और एक अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात नहीं दी गई है जो मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को एडमिट कार्ड निकालना है सादा या कलर कोई भी चल सकता है वहाँ। और एक बात बता दूँ कि आप लोग जब भी एडमिट कार्ड निकालेंगे तो दो कॉपी निकालेंगे, ठीक है। एक कॉपी सेफ रख देंगे क्योंकि आप लोगों को परीक्षा पढ़ने के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोग परीक्षा देने के बाद एडमिट कार्ड बढ़िया से नहीं रखते, अच्छे से नहीं रखते और आपका एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, भुला जाता है, तो जैसे ही एडमिट कार्ड जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होती है तो आप लोग को साइट बंद कर दिया जाता है कि एडमिट कार्ड दोबारा से प्रिंट नहीं हो पाएगा। और अगर आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तो एडमिट कार्ड आप लोग को खोजा जाता है, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया अच्छा से रख दीजिएगा कि ज़रूरत पर काम आ सके। ऐसे ही एग्ज़ाम देने के बाद एडमिट कार्ड फेंक मत दीजिए क्योंकि इसमें लिखा गया है कि आप लोग एडमिट कार्ड अच्छे से रखेंगे क्योंकि इसके भविष्य में भी खोज की जाएगी रिजल्ट होने के बाद। आज के लिए मुझे बस विदा दीजिए, अगले वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या एग्ज़ाम पर ले जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना है। ये सारी चीज़ जानकारी अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं, बांटने से भी अच्छी होती है। आप लोग बांटिए भी, जानकारी भी अगले को दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को भी जानकारी मिले और आप लोग को दोस्तों को भी मिले, ठीक है। अगले वीडियो तक मुझे बिता दीजिए। नमस्कार, बाय।